हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूँ नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कीबोर्ड और माउस दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने वाले लोग ये समझते हैं कि हम कीबोर्ड की मदद से अपना काम बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर कुछ काम किए जाएं तो वो और भी तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना सीखेंगे और अपने काम को और आसान करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से हम कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशन से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो सीखने के लिए हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपके सामने एक एमएस वर्ड की विंडो खुली हुई है। अगर आपके सामने एमएस वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन खुली हुई हो और आपको एप्लीकेशन को रीस्टोर डाउन करना हो तो आप क्या करते होंगे, आप माउस ले जाते होंगे, यहाँ पे क्लिक करते होंगे। इसका एक आसान सा तरीका है कि आप इसके टाइटल बार जो सबसे ऊपर दिख रहा है उस टाइटल बार पे अगर डबल क्लिक कर दें तो ये देखिए रीस्टोर डाउन हो जाती है बहुत आसानी से। अब इसी को अगर आपको फिर से मैक्सिमाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, माउस से सिंपल डबल क्लिक कर देना है और ये देखिए आपको जो है फुल स्क्रीन पे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपको माउस की मदद से किसी भी लेटर या किसी वर्ड को कॉपी करना हो कहीं से भी तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल वी करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो सपोज करिए ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हमें सेलेक्ट करना है तो हम इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल की का प्रेस करके सिर्फ इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना हो। ये देखिए वहाँ से आपका जो है ये वर्ड यहाँ पे आ गया है, यानी कि कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे भी वो रहेगा और कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो कट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल से जिस वर्ड को कट करना है उसे आप सेलेक्ट करिए और बिना कंट्रोल की पे आप इसे ड्रैग कर दीजिए जहाँ पे भी आपको लाना। अब ये देखिए यहाँ से थीम्स हट गया है और यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से माउस की मदद से आप कट और कॉपी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में अब हम देखेंगे कि जैसे अगर आपके सामने बहुत सारी विंडोज़ ओपन हैं, जैसे ये भी ओपन है, हम कुछ नोटपैड की फाइल्स ओपन कर लेते हैं, ये ओपन है और या कुछ और एप्लीकेशन ओपन है, लेकिन आपको जो है सिर्फ कोई एक एप्लीकेशन ही चाहिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं, बाकी को एक साथ मिनिमाइज़ करना है, तो आप पहले इसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज़, अलग अलग आप मिनिमाइज़ करेंगे। लेकिन इससे सबसे अच्छा एक फीचर विंडोज ने दिया है जिसे हम सेक फीचर कहते हैं, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को जिसको आपको स्क्रीन पर रखना है बाकी को मिनिमाइज करना है, उस एप्लीकेशन को माउस से हल्का सा सेक कर दीजिए। जैसे सेक करेंगे देखेंगे सारी एप्लीकेशन आपकी मिनिमाइज हो गई हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशन, उन्हें फिर से देखना है तो आप फिर से इस एप्लीकेशन को सेक कर दीजिए। तो देखिए आपकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी, कौन कौन सी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे थे। तो ये सेक फीचर से आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मल्टीपल विंडोज़ को एक साथ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ में माउस का और भी बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे अगर आप माउस से, जैसे वर्ड का ये है, अगर आप कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो किसी पैराग्राफ का तो आप क्या करेंगे, या तो आप माउस से इसे ऐसे ड्रैग करेंगे या आप माउस से इसे ऐसे ड्रैग करेंगे तब ये आपका सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी भी वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो। जैसे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट पे आके माउस से लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड को किसी भी पैराग्राफ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी पैराग्राफ की एक लाइन आपको सेलेक्ट करनी है तो वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से लेके जहाँ फुल स्टॉप लगाया पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाती है, यानी किसी भी लाइन को अगर सेलेक्ट करना है तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक कर दीजिए उस लाइन पर, वो लाइन पूरी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ से कई वर्ड या जो है कई नाम जो है सेलेक्ट, जैसे किसी पैराग्राफ में बहुत सारे नाम हैं, उन नाम की अलग लिस्ट हमें बनानी होती है तो उन्हें अलग अलग हमें सेलेक्ट करना होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक एक नाम को हम सेलेक्ट करके उन्हें बाद में पेस्ट करते हैं, लेकिन हम एक साथ भी इन्हें ऐसा कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमें ये पावरफुल एक चूज करना है और दूसरा हमको वांट चूज करना है, फिर डॉक्यूमेंट चूज करना है, फिर फुटर चूज करना है,
फिर मशीन चूज करना। अब ये हमने अलग अलग वर्ड चूज किए, कैसे चूज किए, सिर्फ कंट्रोल के साथ जिस वर्ड को चूज करना है उस पर डबल क्लिक करते चले गए हैं। अब इन्हें कॉपी कर लेते हैं और जहां पर भी हमें इन्हें पेस्ट करना है वहां पे ले जाके इन्हें डायरेक्टली हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ये लिस्ट मिल जाती है जिसे आप फर्दर अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ से कुछ लिस्ट बनानी है वर्ड्स की तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब जैसे आपको अगर वर्टिकल सिलेक्शन करना है, सपोज दैट ये लिस्ट है, इस लिस्ट के फर्स्ट दो लेटर सभी लिस्ट के सेलेक्ट करना है तो इन लेटर को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप पहले इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी करके पेस्ट कर फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, हमें एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले पूरा सेलेक्ट करेंगे अल्ट की को प्रेस करके, अल्ट की को प्रेस करके ये, और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए पहले दो लेटर आपके हर वर्ड के सेलेक्ट हो गए। देन आप इसे आगे चल के अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल सेलेक्शन भी आप माउस का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अल्ट की से ही किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप वर्टिकल सेलेक्शन कर सकें। हॉरिजेंटल तो आप माउस को ड्रैग करके कर लेते हैं, लेकिन वर्टिकल के लिए आपको अल्ट की प्रेस करना है, और किसी भी पैराग्राफ का बीच का अगर वर्टिकल सिलेक्शन करना है तो वो भी आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और जहाँ चाहते हैं वहाँ पे इसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्टिकल सिलेक्शन को भी आसानी से माउस की मदद से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमें कोई साइट, जैसे हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, ये है avinashsingh.co.in, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको अलग अलग टॉपिक ओपन करने हैं तो जैसे पहला आपने ओपन किया तो जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो ये यहीं पे ओपन, अब दूसरा अगर आपको खोलना है तो फिर आपको बैक या होम पे जाना पड़ेगा तब आपको ओपन करना पड़ेगा, या अगर आप इसे न्यू टैब पे खोलना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे फिर ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो इससे ये न्यू टैब में आपका आर्टिकल ओपन होके आएगा। लेकिन आप चाहते हैं ये भी खुला रहे और आपके सारे आर्टिकल भी ओपन हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल के साथ उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके जो है सारे नए टैब पे ओपन हो गए हैं। इसके साथ में अगर आप अल्ट कंट्रोल बटन को नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो आप सीधे माउस का जो स्क्रॉलर होता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका आर्टिकल नए पेज पे या नए टैब पे ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से माउस और कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन का यूज करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट या कुछ और चीजें अगर आपको जाननी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।